अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी नोट्स पीजी यूट्यूब चैनल पर। अभी अभी मुझे कक्षा ट्वेल्थ का जो आपका पेपर होने वाला है प्री बोर्ड का, रसायन विज्ञान का पूरा पेपर मुझे मिल चुका है। आप देख सकते हैं प्री बोर्ड का पेपर है, वायरल पेपर है, इसको बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। डायरेक्टली आपके एग्जाम में शायद यही पेपर आने वाला है। तो आप देख सकते हैं समय आपको 3 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला है। तो बच्चों इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करते हैं तो मैं सॉल्यूशन भी अभी प्रोवाइड करा दूंगा। अभी पेपर लेके आया हूँ तो चलिए इसको देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जो निर्देश दिए हुए हैं, तो जैसा आपका पेपर आने वाला है उसी टाइप से आपके निर्देश दिए हुए हैं। यहाँ पे आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं आने हैं, तो यहाँ पे साफ साफ 4 नंबर वाले क्वेश्चन को हटा दिया गया है। चलिए देखते हैं सही विकल्प। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपके सही विकल्प आने वाले हैं। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पेपर को सेव कर लीजिए, सही विकल्प दिया हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके रिक्त स्थान दिए हुए थे, रिक्त स्थान का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायरेक्टली आपके एग्जाम में यही आने वाला है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था। इसके बाद सही जोड़ियाँ दी हुई हैं, तो आप सही जोड़ियों का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉल्यूशन मैं आपको थोड़ी देर से प्रोवाइड करा दूंगा, आपको बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्लास ट्वेल्थ के बच्चों तक इसे पहुंचा देना है। आप देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का अथवा 6 और 6 का अथवा दिया हुआ है, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट आपका 7वां दिया हुआ है और 8वां दिया हुआ है, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ इस प्रकार से आपका पेपर बनने वाला है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9वां दिया हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10वां दिया हुआ है, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, तो आप देखते जाइएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जाइए। डायरेक्टली आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17वां कुछ इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 फिनाइल एवं एल्कोहल में कोई 3 अंतर, और क्वेश्चन नंबर 19वां निम्न की अति सापेक्ष को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 20वां दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21वां दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका पेपर बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22वां दिया हुआ है, तो कुछ इस प्रकार से आपका प्री बोर्ड में पूछा जाएगा। पूरा का पूरा पेपर मैंने सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 12 के बच्चों तक इसे पहुँचा दीजिए। सॉल्यूशन आपको थोड़ी देर से मिल जाएगा।